शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन की जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं डीएम शाहदरा प्रांजल पाटिल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस द्वारा एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है और यह भी बताया गया कि परमिशन के लिए अलग से एक विंडो खोली गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वॉयलेशन दिख रही है या हो रही है तो NCC इन सारी चीजों को देखेगा। वहीं यह भी बताया कि परमिशन सेल्फी उन्होंने खोला है जिसमें रैली लाउड स्पीकर और बाइक रैली का भी अगर परमिशन चाहिए होगी तो वह भी उन्हें मिल जाएगी। डीएम ऑफिस में ARO पूरी तैयारी कर बैठे हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसकी पूरी मदद की जाएगी। बता दें अभी तक कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है। ऐसे में अब देखा जा सकता है कि कब तक नॉमिनेशन फाइल होगा, या तो वक्त बताएगा। लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म बहुत सारे लोग लेकर गए हैं और तमाम विभाग के साथ डीएम की भी मीटिंग हुई है। सिंगल विंडो सिस्टम है, हमने परमिशन के लिए भी एक विंडो खोली है। NCC का वायलेशन अगर हो रहा है तो वहाँ भी विंडो सेटअप करी है। तो अगर लोगों को कुछ NCC रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स हैं वो हमें दे सकते हैं। परमिशन सेल हमने खोला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर रैलीज की, व्हीकल्स की, लाउड स्पीकर्स की परमिशन लेनी है तो वो भी यहाँ ले सकते हैं। तो सेटअप पूरा हो चुका है एंड जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है और जो AROs हैं उनकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है और नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है। मैम, जिस तरीके से बात की जाए प्रीमियर्स के अंदर किस तरीके की व्यवस्था है, अगर किसी कैंडिडेट को अगर कुछ पूछना हो तो उसके लिए किस तरीके से डेस्क रखी हुई है यहाँ पर? करेक्ट, तो हमारे AROs एंड ROs यहाँ पूरे टाइम अवेलेबल है। वो आके जरूर उनको डाउट्स पूछ सकते हैं एंड इनफैक्ट कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स आ भी रहे हैं एंड उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व भी करा जाए। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से नॉमिनेशन की डेट भी नज़दीक आ रही है तो कितने लगभग लगता है कि कितने नॉमिनेशन हो जाएंगे मैम? उस बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन नॉमिनेशन की अभी तक 14 तारीख तक डेट है तो अभी काफ़ी हमें लगता है कि फुटफॉल। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।